पार्क से जो आवाज आता है, गाना बजता है, पढ़ाई करने का मन करता है? जेन्युइन बात है सर कि हम यहाँ पर जो उस आवाज में अब बोल रहे हैं, बच्चों के कानों तक वो आवाज पहुंचेगी कहाँ? तो डिस्टरबेंस तो ऑलरेडी होना ही है। हाँ, पार्क से बच्चों को डिस्टर्ब तो होता है, क्योंकि वहाँ का जो साउंड है यहाँ स्कूल तक आता है। तो जब बच्चों का क्लास लिया जाता है तो क्लास के दौरान जब बहुत ज़्यादा साउंड होता है तो उसमें बच्चों का ज़्यादा ध्यान पार्क की ओर होता है। हजाम गांव आकर हम आपको लगातार यहाँ के कई सारी बातें बता रहे हैं। यहाँ पर जो वाइल्ड वादी वाटर पार्क है उसमें किस तरह से बातें आ रही हैं, उभर उभर कर हर खुलासा कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल में हमने आपको दिखाया था तो कि वहाँ पर किस तरह का पानी इस्तेमाल हो रहा है वो बताया था, तो कई लोगों ने मजाक में ले लिया था और कई तरह के कमेंट आपके द्वारा आ रहे थे। लेकिन अब आई है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। वाटरवादी वाइल्ड पार्क में वहाँ काफी तेज आवाज में साउंड बजता है, म्यूजिक बजता है और पास में ही यहाँ पर कई सारे सरकारी स्कूल हैं। ऐसे ही एक सरकारी स्कूल में है राजकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय डुंडीगढ़ा। यहाँ कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, कई सारे मतलब कि 700 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, मैट्रिक तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है। ऐसे ही एक क्लास है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नाइन्थ क्लास के यहाँ बच्चे हैं। तो पार्क से किस तरह से इनका प्रभाव पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई सारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं। बेटा आपका क्या नाम हुआ? कृतिका कच्छप। बगल में पार्क है, आवाज आता है? यस मैम, यस सर। यस, किस तरह का आवाज आता है? जोर से बजता है। क्या बजता है? बाजा। क्या क्या गाना बजता है? नागपुरी, भोजपुरी और हिंदी, अश्लील गाना सब। अश्लील गाना भी बजता है? यस सर। कौन कौन सा गाना बजता है? नहीं पता सर। अश्लील गाना बजता है, हालांकि बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन गाना बजता है और इनके पढ़ाई किस तरह से प्रभावित होता है ये हम जानेंगे। बताएंगे वहाँ से पार्क से जो आवाज़ आता है, गाना बजता है, पढ़ाई करने का मन करता है? नो सर, डिस्टर्ब होता है। कैसे डिस्टर्ब होता है बेटा? यह ध्यान उधर ही जाता है। अच्छा, कब कब बजता है? जब जोर से बजता है तो उधर ध्यान जाता है। अच्छा, मैडम वहाँ पर पढ़ाती हैं, बोर्ड में बताती हैं, सुनाई पड़ता है, समझ में आता है? नो सर। क्यों? गाना बजने के कारण नहीं सुनाई देता है उतना। मतलब मैडम की आवाज से ज्यादा गाना का आवाज तेज होता है? यस सर। देख सकते हैं जो बच्चे हैं पीछे साइड जो बजते हैं बैठते हैं, इनको इनसे जानते हैं, बताते हैं। आप मैडम आगे बताती हैं, आप पीछे बैठती हैं, मैडम जो बताती हैं वो आवाज आप तक पहुंचता है? नहीं। क्यों नहीं पहुंचता है? गाना बजता है। कहाँ से गाना बजता है? वाटर पार्क से। वाटर पार्क से। हाँ। किस तरह का गाना बजता है बेटा? नागपुरी, सादरी, नहीं जानेंगे सर। अच्छा, आप बताओ किस किस तरह का गाना बजता है? नागपुरी, सादरी, हिंदी। हाँ, और मतलब कि बहुत ज्यादा उधर से आवाज आता है, तो मैम इधर पढ़ाती है, हम लोग का ध्यान उधर चल जाता है, हम लोग मतलब कि यही से बैठते हैं, लेकिन मैम का ज्यादा उधर ध्यान नहीं देती है, उधर बाजा बजता है उधर। मैडम जो पढ़ाती हैं वो समझ में आता है? सर उतना ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग का ध्यान उधर रहता है। आप क्लास 9 में पढ़ती हो, अगर इसी तरह से डिस्टर्ब होता रहा तो आप पास कर लोगी? नो सर, ऐसा तो नहीं लगता है हमको कि पास हो जाएंगे। देख सकते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो किस तरह से प्रभावित हो रही है, खराब हो रही है। बच्चियों के अलावा यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, इनसे हम खुल कर बात करते हैं। बताओगे आपका क्या नाम हुआ बेटा? सुहेल खान। सुहेल जी। मैडम आगे पढ़ाती हैं, आप पीछे बैठते हो जी, आवाज़ आप तक पहुँचती है? नो सर, हल्का हल्का आता है। क्यों? साउंड आता है, बजता है गाना। किस किस तरह का साउंड आता है? बहुत तरह का सर, बहुत तरह का गाना बजता है। बहुत तरह का मतलब? जैसे कि अश्लील, बहुत गंदा गंदा गाना बजता है। मतलब नागपुरी गंदा गाना बजता जी, है। भोजपुरी, बहुत तरह का। वो सब सुनाएंगे, सुना सकते हैं? नो सर, याद तो नहीं, बहुत पहले बजता था, अब याद, अब नहीं बजता हल्का हल्का। अच्छा, आप बताओगे? नो, कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बता रहे हैं। आप बताओगे कि पढ़ाई किस तरह से आप लोगों की प्रभावित हो रही है, अगर इसी तरह से गाना बजता रहा, आप क्लास 9 में हो, पास कर पाओगे? नो सर।
नहीं कर पाएंगे पास। आप नहीं। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो मेरे साथ हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, बच्चे बता रहे हैं बगल में पार्क है, वहाँ से खूब तेज आवाज आती है, अश्लील गाने भी बजते हैं, कितना सच है? बिल्कुल सही है, बच्चे जो कह रहे हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे जो भी बोलेंगे सत्य बोलते हैं, वो बात सही है। जब से पार्क खुला है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा इसमें साउंड था, यहाँ पर डिस्टर्ब तो होती ही थी, तो हम लोग समझे कि गांव वाले भी इसमें कुछ सुधार करेंगे, लोग में कई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो असर पड़ रहा है हमारे स्कूल के बच्चे पर, असर पड़ रहा है, खास करके नौवीं दसवीं की जो क्लास होती है तो उसमें डायरेक्ट आवाज़ की तरह आती है अंदर, ऐसे में तो इनका रिजल्ट भी खराब हो, रिजल्ट भी खराब हो, जबकि हमारे स्कूल का रिजल्ट अभी हमारे टॉप किए हैं बच्चे 91% लाए हैं, जो टॉपर हैं, सेकेंड टॉपर भी 90.5% लाए हैं, तो और रिजल्ट भी अच्छा हुआ हमारे यहाँ, करीब 97% रिजल्ट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो है सो असर तो पड़ेगा स्कूल पर। इस संबंध में हम लोग ने भी एक निर्णय लिया है कि हम SMC जो हम लोग का है, बैठक होती है माह में एक दिन, और उस बैठक में हम लोग इस बात को रखेंगे सारे लोग मीटिंग में, और रखने के बाद हम लोग पहला कदम गांव वाले से भी बात करके और वाटर पार्क के जो अथॉरिटी हैं, जो यहां संचालक हैं, उनसे बात करेंगे, जो भी हमारी समस्या है उनके पास रखेंगे, इसको अब दूर किया जाए, छात्र हित में जरूरी है, यहां सुदूर गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उन पर असर पड़ता है, तो और वो उसके बाद अगर बात होती है तो सही है, नहीं तो फिर हम अपने कंसर्निंग अधिकारी से भी बात करेंगे कि इसको किस तरह से किया जाए जो स्कूल को डिस्टर्ब नहीं हो, हमको तो उससे मतलब है, विद्यालय को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बच्चे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आप स्टेप उठाएंगे वो सारा कुछ रिटर्न में होगा? जी निश्चित रूप से, जो भी हम लोग का SMC की बैठक होती है वो हम लोग रिटर्न में करते हैं और उसको ऑनलाइन भेजते भी हैं, हम अपने विभाग को भी भेजते हैं उसको, जो आज के प्रोसीडिंग में क्या है, तो वो सब कुछ रिटर्न होगा, जो कुछ भी यहाँ पर बच्चों की समस्याएं हैं, गांव वालों की समस्याएं, वो हम ऑनलाइन माध्यम से सब तक पहुंचा रहे हैं, सरकार के लोग भी देख रहे हैं, पदाधिकारी भी देख रहे हैं, तो सब ये भी चाहते हैं कि जो भी आप कार्रवाई करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे वो भी लोगों तक पहुंचे, तो आप हम तक वो जानकारी शेयर करेंगे? निश्चित रूप से, जब भी हमारी बैठक हो जाएगी, SMC की बैठक होगी, उसमें जो निर्णय होगा, सामूहिक जो फैसला होगा, उस फैसला का जो भी होगा आपको भी हम दूरभाष के द्वारा खबर करके या आपको रिक्वेस्ट करके एक बार बुलाएंगे भी, और हम सारा प्रोसीडिंग भी आपको बताएंगे, इस तरह का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में हम लोग आगे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, पार्क से तेज आवाज़ स्कूल तक पहुंचती है, और इस तरह के यही एकमात्र स्कूल नहीं है बल्कि आसपास में ऐसे और भी 3-4 स्कूल हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पर और भी टीचर्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बात सामने है, वहाँ से गानों की आवाज़ आती है, हर तरह के गाने बजते हैं, अश्लील गाने भी बजते हैं। हाँ, जितने भी डिस्कोथेक गाने हैं लगभग वो काफ़ी बजाया जाता था, अभी कुछ दिनों से कम है, नहीं तो जब यहाँ पर ओपनिंग हुआ था या स्टार्टिंग हुआ था उस समय काफ़ी फुल साउंड में बजाते थे, यहाँ तक लगता था कि हम लोग यहाँ पर बैठ के अपना मोबाइल स्टार्ट करके फुल साउंड में गाना सुन रहे हैं, जैसे शादी ब्याह में होता है ना पूरा, उसी प्रकार से यहाँ पर आते स्कूल आवर में ये सब सुनाई पड़ता था। हाँ, स्कूल आवर में ही। अच्छा, अभी भी हल्का फुल्का आवाज यहाँ तक पहुँच रहा है? अभी तो हमको लग रहा है काफ़ी कम हो गया है, नहीं सुनाई पड़ता है, तो स्टार्टिंग में तो काफी था। तो इससे बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर देख रही थी आप? अभी तो जनरली जेन्युइन बात है सर कि हम यहाँ पर जो उस आवाज में अब बोल रहे हैं बच्चों के कानों तक वो आवाज पहुंचेगी कहाँ, तो डिस्टरबेंस तो ऑलरेडी होना ही है। हाँ, पार्क से बच्चों को डिस्टर्ब तो होता है क्योंकि वहाँ का जो साउंड है यहाँ स्कूल तक आता है, तो जब बच्चों का क्लास लिया जाता है तो क्लास के दौरान जब बहुत ज़्यादा साउंड होता है तो उसके बच्चों का ज़्यादा ध्यान पार्क की ओर होता है, तो उन लोगों को पढ़ाने के दौरान भी वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जितना उन लोगों को लेसन पढ़ाया जाता है उतना मतलब कंप्लीट नहीं किया कर पाते हैं। अपना नाम? मेरा नाम अमित लता।
नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, हम तो नहीं पिएंगे, हड़िया दारू हम तो नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, हम तो नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट भी हम नहीं पिएंगे।